हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मॉनसून वैक्सिंग हैक्स। और ये हैक्स इतने ज्यादा अमेजिंग है गाइस, इसे ट्राई करने के बाद आप जरूर मुझे थैंक यू बोलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये अमेजिंग हैक्स कौन से हैं। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये बिल्कुल फ्री है। और गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये यूजफुल टिप्स कौन से हैं गाइस। हैक्स या टिप्स आप से जो मर्जी कहेंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हैक्स है। इसे ट्राई करने के बाद आप वैक्सीन को टेंशन फ्री होकर करवा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होने वाली है इसके बाद आपको। तो चलिए देख लेते हैं। और देखिए, वैक्सीन करवाना हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद होता है, स्पेशली गर्ल्स की अगर यहां पर बात की जाए। तो गर्ल्स को अगर कभी भी कहीं बाहर जाना पड़ जाए, वो भी मॉनसून के सीजन में, तो बहुत ज्यादा झंझट भरा हो जाता है और बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है कि पता नहीं वैक्सीन करवा भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि इस मौसम में चिपचिपाहट बहुत ज्यादा होने लगती है हमारी स्किन में, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है वातावरण में, तो उसकी वजह से हमारी स्किन में चिपचिपाहट आ जाती है, जिसकी वजह से वैक्सीन करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हम गर्ल्स के लिए। और आजकल तो एक आम बात हो चुकी है कि मेंस और वुमेन्स दोनों ही वैक्सीन करवाते हैं। ये एक हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, राइट। और मॉनसून के सीजन में अगर आपने कहीं बाहर जाना हो तो टेंशन हो जाती है भी पता नहीं वैक्सीन करवा पाएंगे या नहीं, या पता नहीं वैक्सीन हो भी पाएगी या नहीं इस मौसम में। ऑफकोर्स मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, बट अगर आपको इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो इन हैक्स को जरूर देखिएगा। और वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस, जब भी हम वैक्सीन करवाते हैं तो हमें पिंपल्स या बारीक दाने हो जाते हैं। और ये क्यों होते हैं? ये अक्सर सेंसिटिव स्किन पर होते हैं। तो गाइस, जब भी आप फर्स्ट टाइम वैक्सीन करवाएं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप एक बार पैच टेस्ट जरूर करके देखें। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी स्किन सेंसिटिव है या नॉर्मल है, जिससे आप बारीक दानों या पिंपल्स की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इस मौसम में वैक्सीन के लिए बालों की लंबाई उतनी ही होनी चाहिए ताकि आप वैक्सीन अच्छे से करा पाए, जितना कि करीब 1 सेंटीमीटर तक बाल बढ़ जाएं तब उन्हें वैक्सीन करवाएं। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो ये है कि वैक्सीन करने से पहले आप अपनी त्वचा की अच्छे से सफाई कर लीजिए, जिससे त्वचा की गंदगी अच्छे से निकल जाए और आपको वैक्सीन करवाने में कोई भी परेशानी ना आए। अगर आप खुद वैक्सीन कर रही हैं तो स्ट्रिप को अच्छी तरह से दबाएं और तभी खींचे, इससे बाल एक बारी में ही अच्छे से निकल जाएंगे। वैक्सीन के पहले एसी चलाकर स्ट्रिप पर पाउडर जरूर लगा लें ताकि स्ट्रिप खींचने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए और पूरे बाल एक बार में आसानी से निकल जाएं। वैक्सीन के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, इससे त्वचा पर जलन होना बंद हो जाएगी। जब भी आपकी त्वचा में वैक्सीन करवाने से आपको जलन महसूस होती है तभी आप एक ठंडी आइस क्यूब जरूर लगाएं, इससे आपकी त्वचा में जलन होना बंद हो जाएगी। वैक्सीन के बाद हमेशा ढीले कपड़े पहने ताकि त्वचा को हवा लग सके। एकदम टाइट कपड़े बिल्कुल ना पहने, इससे आपको दाने निकल सकते हैं या और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप वैक्सीन कराकर बाहर जा रहे हैं तो सूरज की सीधी रोशनी में जाने से बचें और साथ ही एक अच्छी सनस्क्रीन भी लगाएं। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस, और खास तौर से जब आपने वैक्सीन करवाई हो तो जब भी आप धूप में जाएं तो सनस्क्रीन लगा कर ही जाएं। और किसी भी तरह की क्रीम और लोशन लगाने से बचें। आपने कोई भी और लोशन या क्रीम वगैरह नहीं लगाना है वैक्सीन के बाद, इसे लगाने से पसीना ज़्यादा आता है और वैक्सीन की जगह पर जलन होने लगती है। और जब भी आप वैक्सीन करवाएं तो हमेशा इवनिंग टाइम में ही वैक्सीन करवाएं। और जब भी आप वैक्सीन करवाएं तो साबुन या फेस वॉश का इस्तेमाल मत करें, आप 8 से 10 घंटे बाद ही फेस वॉश या साबुन का इस्तेमाल करें। और गाइस, एक टिप मैं आपको और यहाँ पर देना चाहूंगी कि जब भी आप आइस क्यूब लगाएं, अगर आपकी जलन तब भी बंद नहीं होती है, आपको आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अगर लगता है कि दाने वगैरह निकलने का डर लग रहा है आपको, तो आप इमीडिएट आइस क्यूब लगाने के बाद एलोवेरा जेल अपनी स्किन पर अच्छे से लगा लीजिए। इससे भी आपकी त्वचा में जलन बंद हो जाएगी और आपको कोई दाने की प्रॉब्लम या पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थे मेरे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। तो गाइस, देखा आपने कितने अमेजिंग हैक्स थे। आई होप कि आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही हो, और हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये बिल्कुल फ्री है। और गाइस, अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी मुझे जरूर बताइएगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ और अमेजिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।